जनवाद टाइम्स के न्यूज़ रूम से मैं आपके साथ सोहेल। DSSSB रिक्वायरमेंट 2020। दिल्ली में 3,358 शिक्षक पदों पर निकली वैकेंसी। DSSSB रिक्वायरमेंट दिल्ली अधीनस्थ कर्मचारी चयन बोर्ड ने दिल्ली के सरकारी स्कूलों में शिक्षक पदों पर 3,358 वैकेंसी निकाली हैं। ग्रुप बी के तहत आने वाली शिक्षक पद दिल्ली सरकार के शिक्षा निदेशालय के अंतर्गत आते हैं। इन पदों पर आवेदन की प्रक्रिया 24 जनवरी से शुरू होगी। 23 फरवरी आवेदन की आखिरी तारीख है। इच्छुक और योग्य उम्मीदवार ऑफिशियल वेबसाइट tssbonline.nic.in पर जाकर आवेदन कर पाएंगे। DSSSB द्वारा जारी नोटिफिकेशन के मुताबिक इस भर्ती के लिए दिल्ली सरकार के स्कूलों में पढ़ा रहे कैश टीचर्स को राहत दी गई है। कैश टीचर उम्मीदवारों को अधिकतम आयु सीमा में राहत दी जाएगी। इस भर्ती में 197 लाइब्रेरियन पद भी शामिल हैं। इन पदों के लिए योग्यता की बात की जाए तो उम्मीदवार ग्रेजुएट हो या लाइब्रेरी साइंस में डिप्लोमा रखने के साथ साथ 2 साल का लाइब्रेरी कार्य अनुभव हो या कंप्यूटर एप्लीकेशन में 1 साल का सर्टिफिकेट हो, वे ही इन पदों पर आवेदन कर सकेंगे। बता दें कि DSSSB ने इस साल हजारों पदों पर वैकेंसी निकाली है। पहली भर्ती के लिए आवेदन की प्रक्रिया शुरू भी हो गई है। DSSSB ने हाल ही में जूनियर क्लर्क, अशुलिपिक, हिंदी अनुवादक, सह सहायक, सहायक अभियंता, स्टोर कीपर, अनुभाग अधिकारी, पशु चिकित्सा, पशुधन निरीक्षक, अन्वेषक, फार्मासिस्ट, कार्यालय अधीक्षक, कानूनी सहायक, प्रबंधक, जनसंपर्क, जूनियर टेलीफोन ऑपरेटर, ड्राफ्ट्समैन, श्रम कल्याण निरीक्षक, लेखाकार और प्रयोगशाला सहायक जीव विज्ञान के पदों पर भर्ती निकाली थी, जिसके लिए आवेदन की शुरुआत हो गई है। आवेदन करने की आखिरी तारीख 6 फरवरी है। इसी तरह की सरकारी नौकरी से रिलेटिव अपडेट्स पाने के लिए जनवाद टाइम्स के न्यूज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।